तो गाइज आज के दिन अपना पबजी मोबाइल इंडिया हम लोग को अपने प्ले स्टोर पर देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने ऐसी न्यूज भी सुनी होगी जिसमें कि आपको बताया जाता था कि 24 नवंबर के दिन अपना पबजी मोबाइल कुछ बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट करने वाली है। तो आखिरकार हम लोग को पबजी मोबाइल इंडिया आज के दिन देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि 24 नवंबर के दिन ऐसा क्या अनाउंसमेंट करने वाली है पबजी मोबाइल, वो सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो कुल मिला के इस वीडियो के साथ आपको बने रहना है, वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक कर लेना है, और भाई के इस टाइम पर जो भी भाई नया हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि आपका भाई ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आता रहता है, तो आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करना चाहिए। तो दबा के बस इस वीडियो को शेयर भी कर दो। तो चलो अपने टॉपिक पर दोबारा से आ जाते हैं। तो क्या आज के दिन अपना पबजी मोबाइल इंडिया हम लोग को अपने प्ले स्टोर पर देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो देखो यार, मुझे नहीं लगता कि आज के दिन अपना पबजी मोबाइल इंडिया हम लोग को अपने प्ले स्टोर पर देखने को मिलेगा। मुझे कि आज कन्फर्म ही मान लो कि पबजी मोबाइल इंडिया अपने प्ले स्टोर पर नहीं आएगा। तो ऐसा वैसे क्यों कहा जाता कि 24 नवंबर के दिन कुछ पबजी मोबाइल कुछ बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट करने वाली है? तो हाँ यार, आज के दिन पबजी मोबाइल की तरफ से कुछ बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट होगा, और उस अनाउंसमेंट में ना पबजी मोबाइल के अपकमिंग टूर्नामेंट्स के बारे में बात होने वाला है। जैसे कि पबजी मोबाइल के PMCO, PMPL, पबजी मोबाइल के अपकमिंग जो टूर्नामेंट होने वाले हैं उसके क्या प्राइस पूल होने वाले हैं, तो इससे रिलेटेड आज के दिन बात होने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज ही के दिन अपना पबजी मोबाइल इंडिया हम लोग के अपने प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाए। तो हाँ यार, ये चीज़ मैं मान सकता हूँ कि आज के दिन अगर इतने ढेर सारे अनाउंसमेंट हो रही है तो हो सकता है कि पबजी मोबाइल इंडिया से भी रिलेटेड आज के दिन कुछ अनाउंसमेंट की जाए और हम लोग को बहुत ढेर सारी न्यूज़ आज के दिन देखने को मिल सकती है। तो गाइस एक और चीज़, बहुत लोग का एक डाउट है कि पबजी मोबाइल इंडिया अभी तक अपने प्ले स्टोर पर क्यों नहीं आया, इसका क्या रीज़न है, क्या पबजी मोबाइल इंडिया अभी तक बना ही नहीं है क्या? तो देखो यार, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, कन्फर्म मैं कहता हूँ कि पबजी मोबाइल इंडिया बन चुका है और इसको एक्सेस भी कुछ प्लेयर्स ने किया, जैसे कॉम्पिटेटिव प्लेयर्स हो गए, जैसे मॉर्टल हो गए होंगे, डायनमो हो गए होंगे, जोनाथन हो गए होंगे, क्रॉन्टन हो गए होंगे, तो इन सभी ने पबजी मोबाइल इंडिया खेला होगा, पबजी मोबाइल ने इन सभी को ये एक्सेस दिया होगा। लेकिन पबजी मोबाइल इंडिया मुझे लगता है इसलिए अभी तक लॉन्च नहीं हुई है अपने प्ले स्टोर पर, क्योंकि अभी तक इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से इसको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। मतलब कि अभी पबजी मोबाइल इंडिया को अभी अपनी इंडियन गवर्नमेंट अच्छे से चेक करने वाली है, अभी पूरे तरीके से चेक नहीं किया गया अपना पबजी मोबाइल इंडिया को। तो अगर आवाज़ आ रही है गाड़ी की तो उसको यार थोड़ा इग्नोर कर देना। तो देखो यार, अपना पबजी मोबाइल इंडिया बन चुका है, पूरे तरीके से रेडी है, इसका ट्रेलर वेलर सब खत्म हो चुका है, मतलब बनकर तैयार हो चुका है। तो बस एक बार पबजी मोबाइल इंडिया को क्लीन चिट दे दे अपनी इंडियन गवर्नमेंट, उसके बाद पबजी मोबाइल इंडिया रिलीज हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कि अभी तक पबजी मोबाइल इंडिया को इंडियन गवर्नमेंट चेक कर रही होगी, देख रही होगी इस बार कुछ लोचा तो नहीं है, क्या पबजी मोबाइल इंडिया अभी तक चाइना से लिंक है कि नहीं है। तो ये सब चेक करने के बाद अपना पबजी मोबाइल इंडिया बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो हाँ यार, बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर लो, और आज के दिन अपना पबजी मोबाइल इंडिया हम लोग को अपने प्ले स्टोर पर देखने को नहीं मिलेगा, आज के दिन अपना पबजी मोबाइल की तरफ से बहुत ऐसे अनाउंसमेंट आएगी, तो हो सकता है पबजी मोबाइल इंडिया से भी रिलेटेड अनाउंसमेंट हो। और अगर पबजी मोबाइल इंडिया से रिलेटेड कुछ भी अनाउंसमेंट आज के दिन होती है तो कल वाली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि क्या अनाउंसमेंट हुई है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि कल की भी वीडियो हो सकती है कि आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल हो। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मैं मिलता हूँ आपसे कौन है कम माल की वीडियो में।